इन सब मौतों की जिम्मेदारी एलजी साहब लें, इसलिए लें क्योंकि तमाम ऑफिसर्स का कंट्रोल एलजी साहब के पास है। हमारी मांग है आप इनकी जांच कराइए, जितने अवैध कब्जे हुए हैं, करवाने वाले कौन कौन इंजीनियर्स रहे हैं। ना तो दिल्ली सरकार कुछ कर पा रही है, एमसीडी भी बंगू बनी हुई है, सब सुपर पावर हमारे एलजी साहब बने हुए हैं। 1.5 साल हो चुका है हमारे एमसीडी में हमारी सरकार आए हुए हैं, लेकिन हमारी अब भी कोई जोन नहीं बन सका, कोई सी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन सकी है। एलजी को सुपर पावर इन लोगों ने बना दिया है, तो एलजी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? 4 फीट से जो गहरे नाले होते हैं, वो जो डीडीए का ब्लड का वो नाला है, वो जो डीडीए करता है। 4 फीट से जो 10 फीट तक के होते हैं, वो ऐसा दिल्ली सरकार करती है। तो एलजी साहब किसी और को बेवकूफ बनाए। केजरीवाल जी का नाम लिया जाता है कि केजरीवाल जी की सरकार है, एमसीडी में वो है, लेकिन केजरीवाल जी तो जब कुछ करेंगे जब जेल से बाहर होंगे, उनकी जमानत ही नहीं होने दे रही ईडी। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है जो आशा किरण में मौत हुई उस पर दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी मौतें हो रही हैं, चाहे आशा किरण में हो, चाहे नालों में हो, चाहे वो बेसमेंट में पानी जाने से छात्रों की मौत हुई हो, इन सब मौतों की जिम्मेदारी एलजी साहब लें, इसलिए लें क्योंकि तमाम ऑफिसर्स का कंट्रोल एलजी साहब के पास है। उनका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सस्पेंशन, वो सारा अधिकार एलजी साहब के पास है, और वो अधिकारी दिल्ली के सरकार की, दिल्ली के मंत्रियों की सुनते नहीं हैं। उनके कहने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटते हैं, सारे फुटपाथ नालों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर कब्जे हो गए हैं। तो जब कब्जे के खिलाफ हम लिखते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, आप उन्हें हटाते नहीं हैं। तो जब सारे अधिकारी आपके कंट्रोल में और वो काम नहीं कर रहे, हम बार बार हमारे मंत्रीगण चीफ सेक्रेटरी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी कमिश्नर, उनसे पूछ रहे हैं नालों की सफाई का स्टेटस दीजिए, तो वो दे नहीं रहे। और उसके बाद खेल खेल रहे हैं कि ये तो उसके पास है, इसके पास है, ठीक है ना। और जो रही बात आशा किरण की, तो उसके भी अधिकारी किसके कंट्रोल में? कंट्रोल तो उन्हीं का है ना, एलजी साहब का ही। तो एलजी साहब जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको खुद रिजाइन करना चाहिए, और ऐसे तमाम अधिकारियों को जेल में डालना चाहिए। 25 सालों की जांच करवानी चाहिए कि 25 सालों में बिल्डिंग विभाग के अंदर JEE कौन है जो लंबे लंबे समय तक जमे रहे, कौन है जिनके खिलाफ कंप्लेंट आई अवैध निर्माण की, उन्होंने अवैध निर्माण हटाए नहीं, तो नहीं हटाए इसका मतलब बदले में पैसे लिए, कौन है जिनके टाइम पर बिल्डिंगें सील हुई लेकिन पैसे लेके फिर डीसील भी हो गई। तो अवैध निर्माण रोकने का काम जिसका है, और जो अवैध निर्माण को तोड़ना या उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनसे पैसे लेके उसको छोड़ देता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इक्का दुक्का किसी आदमी पे कार्रवाई करने की जरूरत की से इलाज नहीं होने वाला है। पिछले 25 सालों में दिल्ली का पूरा दिल्ली में चारों तरफ अवैध कब्जे, फुटपाथों के ऊपर जहाँ नाले बने हुए हैं उनको कवर करके, यहाँ तक कि जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है नाले कवर करके आगे तक बिल्डिंग बना ली। आप नाला खाली नहीं छोड़ रहे हो, सीवर खाली नहीं छोड़ रहे हो, और करवा कौन रहा है कब्जे? ये अधिकारी करवा रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी बनते हैं अवैध निर्माण को रुकवाने की, वो अवैध निर्माण रुकवाने की बजाय करप्शन में लिप्त हैं। तो भैया, जब ये अधिकारी करप्शन में लिप्त हैं और अधिकारी का कंट्रोल एलजी साहब के पास है, तो जिम्मेदारी एलजी लेंगे या कोई और लेगा? उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारी मांग है आप इनकी जांच कराइए, जितने अवैध कब्जे हुए हैं, करवाने वाले कौन कौन इंजीनियर्स रहे हैं, और जितनी कंप्लेंट 25 साल में एमसीडी के कमिश्नर के पास आई हैं, डीसीज के पास आई हैं, या एलजी साहब के पास आई हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं हुई, तो कौन जिम्मेदार, उनको सजा होनी चाहिए। शुक्रिया समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा सुना, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे, और भी जो आम लोग हैं, आम जनता, दिल्ली की जनता, वो भी इस प्रोटेस्ट में मौजूद है, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आए? मैं अजमेरी गेट से पूर्व पार्षद हूँ जी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, इसमें हल कहाँ निकल रहा है? देखिए, ऐसा है ना, अभी गाजीपुर का जो मामला है जिसको लेके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये डीडीए लैंड के ऊपर ये नाला बना हुआ था, तो डीडीए भी अपनी जिम्मेदारी ले, मोदी सरकार भी अपनी जिम्मेदारी ले। हमारे को जो गालियां दी जा रही हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी तो लें वो, जो भी हो रहा है। देखिए, आज तो ना तो दिल्ली सरकार कुछ कर पा रही है, एमसीडी भी बंगू बनी हुई है, सब सुपर पावर हमारे एलजी साहब बने हुए हैं, तो जो कुछ हो रहा है एलजी साहब की उस पर हो रहा है। हमारा दिल्ली सरकार का कहीं कोई मामला नहीं है, चाहे वो राजेंद्र नगर का मामला हो, चाहे वो अवैध निर्माण का हो, चाहे बेसमेंट का मामला। अगर आशा किरण का मामले की बात करें, आशा किरण में जो भी दोषियों से सजा दो ना, कौन रोक रहा है? उसके अंदर कोई किचन में कोई दिल्ली सरकार के लोग नहीं बैठे हुए ना, जो भी जिम्मेदार। कह रही कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही की वजह से वहाँ पर डायरिया हुआ बच्चों को, जिस वजह से मौत, क्योंकि पानी नहीं पहुँचता था वहाँ पर, टैंकरों में पानी पहुँचता था, इससे बीमारियाँ हुई बच्चों। इल्ज़ाम से तो कुछ होता नहीं है, आप जाँच कराइए, सरकार आपकी है,
इल्ज़ाम ना लगाइए ना, FIR कराइए। सरकार आपकी है, सेंटर में आप बैठे हो, पुलिस आपके हाथ में है, आप इल्ज़ाम ना लगाइए, आप FIR कराइए और जो दोषी हो उसको सज़ा दें, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार दोषियों को सज़ा देने की बात और LG के इस्तीफे की बात यहाँ पर की जा रही है, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, प्रोटेस्ट यहाँ पर दोनों पार्टियाँ कर रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसमें जनता परेशान है, हल नहीं मिल रहा, जनता कर ही नहीं, कोई सोल्यूशन ही नहीं हल हो रहा, बस क्या प्रोटेस्ट सोल्यूशन है? देखो प्रोटेस्ट करने से अगर कुछ सोल्यूशन निकल सकता तो होगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं मेरे सहयोगियों से गुजारिश करूँगी बारे दिखाए, यहाँ पर महिलाएं काफ़ी सारी पहुँची हैं जो अलग अंदाज में था तालियां पीट कर और जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन हाथों में जो है सभी आम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तख्तियाँ ली हुई है, जिसमें LG साहब के इस्तीफे की मांग और DDA के अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग, तमाम मांगे लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी बातें सुन, देख रहे हैं लगातार LG साहब के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। सर DDA के अफसरों को सस्पेंड करने की मांग, LG के इस्तीफे की मांग, क्या होगा इन सब से दिल्ली की जनता की अगर जो जान ली जा रही है, मतलब दिल्ली की जनता के लिए आवाज़ ना उठाए, आप जो कह रहे हैं इससे क्या होगा, मतलब जनता की जान जा रही है और आप पूछ रहे हैं इसमें क्या होगा। सर प्रोटेस्ट आप भी कर रहे हैं, भाजपा वाले भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आशा किरण में हुआ उस पर दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, तो दिल्ली सरकार का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैं वही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपको नॉलेज होगी तो आपको पता होगा 1991 तक दिल्ली में सिर्फ LG राज चलता था, उसके बाद दिल्ली में चुनाव शुरू हुए, तो एक बार भाजपा की सरकार बनी, फिर 3 बार से कांग्रेस की रही, अब 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन भाजपा कोई हजम नहीं हो पा रहा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सारे फैसले दिल्ली की सरकार लेगी, लेकिन उन्होंने अध्यादेश आकर LG को मुख्य बना दिया। क्या एक आदमी दोनों में सवार कर सकता है? अगर दिल्ली की जनता को आप सुविधाएँ देना चाहते हैं, या तो जो चुनी सरकार है उससे काम करने दिया या अपने LG से करवा लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है आपको अपने LG के द्वारा सब कुछ करवाना है तो दिल्ली का चुनाव बंद कर दीजिए, दिल्ली की जनता का इतना पैसा समय क्यों वेस्ट करवा रहे हैं। इसलिए ये सारी बात है कि भाजपा ये सिर्फ चाहती है कि दिल्ली की जनता को परेशान कराकर LG के माध्यम से बैक दरवाजे से हम अपनी सरकार बना पाएं। सर हम देख रहे हैं राजधानी दिल्ली है ये और नर्क बनती जा रही है लोगों के लिए, क्या कुछ यहाँ पर लोगों को कब तक हल मिलेगा समाधान? नहीं, कोशिश तो सब लोग पकड़ रहे हैं, पार्षद निगम पार्षद सब कुछ कर रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं पिछले 1.5 साल हो चुका है हमारे MCD में हमारी सरकार आए हुए, लेकिन हमारी अब भी कोई जोन नहीं बन सका, कोई सी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन सकी है, मेयर को पूरी तरह काम नहीं करने दिया जा रहा है, जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रशासन है, स्टेट है, तो यहाँ कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, केंद्र के सारे हमारे पास किसी को तबादला ट्रांसफर पोस्टिंग का हम पे अधिकार नहीं है, और हमारे कामों को किसी ना किसी तरह रुकावट डाली जा रही है, और इतना समझ नहीं पाता जैसे हमारे नेता को जेल में डाला हुआ है, इससे क्या हासिल करना चाह रही है BJP, दिल्ली सरकार के दिल्ली के लोगों के काम को रोक कर उनको परेशान कर क्या मिलेगा LG साहब को? LG साहब सिर्फ BJP की डमी की तरह काम कर रहे हैं, वो LG का लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल नहीं कर रहा है पहले, वो सिर्फ एक BJP के नुमाइंदे की तरह काम कर रहे हैं। सर अभी आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अगले कदम क्या कुछ होंगे? इसी के लिए हम करेंगे, हम तो दिल्ली के विकास के लिए अग्रसर हैं, हर तरह से दिल्ली के विकास के लिए समर्पित हैं। LG साहब हमसे सारी ताकत, दिल्ली वालों को सुख दे दें, जो CM साहब दे रहे हैं बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पतालों के लिए एजुकेशन के लिए काम किया वो आप लोग कर लेते, आपको इस बात से तकलीफ है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात तो जिस तरह हमारे CM साहब की लोकप्रियता है अरविंद केजरीवाल जी की, तो ये तो सब लोग उससे भयभीत हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, तमाम मुद्दे हैं चल रहे हैं दिल्ली में, जहाँ एक स्टूडेंट्स का मुद्दा है, आशा किरण का मुद्दा है, वहाँ पर सिविल लाइन्स में लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, तमाम मुद्दों से हल कब मिलेगा दिल्ली वासियों? उधर पेड़ काट दिए, उधर DDA के नाले साफ नहीं हो रहे हैं, वो जो लोग मर गए हैं उनकी कोई जिम्मेदारी? LG में जब LG को सुपर पावर इन लोगों ने बना दिया है तो LG अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? LG को सिर्फ परेशान करना है लोगों को, दिल्ली के लोगों को मारना है, कभी उनके पेड़ काटना, अपनी जिम्मेदारी से भागना, सिर्फ ओछी राजनीति करना, दिल्ली के लोगों को परेशान करना, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना, ये काम LG का होता है? अरे आपको चुना है जिस सरकार ने, उस चुनी हुई सरकार को भी आप काम नहीं करने दे रहे, आपको तो अपॉइंट कर आप तो तानाशाह हो गए, आप तो मालिक हो गए दिल्ली के। अरे दिल्ली के लोगों से पूछो कितने परेशान है वो इस बात से, ना उन्हें पेड़ मिल रहा है, ना उन्हें DDA के काम करने दे रही है, दिल्ली पुलिस उन्हें काम नहीं करने दे रही, जो जो आपके अंडर में डिपार्टमेंट है उनका काम संभालो ना, दिल्ली के काम जो दिल्ली सरकार के काम है उनमें दखलंदाजी करते हैं, अपने काम नहीं करते ये लोग। तो आप देख रहे हैं लगातार LG के इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है और DDA के जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करने की मांग की जा रही है, और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद है, और भी हम लगातार यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं सबसे हम लगातार बात कर रहे हैं, सभी का साफ तौर पर एक ही कहना है
कि एलजी और डीडीए के जो अधिकारीगण हैं उनके इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में जो घटनाएं देखने को मिल रही है, कुछ हम महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो इस प्रदर्शन में मौजूद हैं, यहाँ पर आई हैं। कुछ महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम कहाँ से हैं आप? मलकागंज से। मलकागंज से यहाँ आई हैं प्रोटेस्ट करने, एलजी के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या कुछ है मकसद? देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी कल परसों आपने देखा होगा एक माँ और बेटा नाले में डूब के जो खत्म हो गए। पहले बेटा गिरा तो जाहिर सी बात है माँ देखती कोई ना रहती, उसको बचाने के चक्कर में वो खुद भी चली गई। किसी का परिवार उजड़ गया, किसी के परिवार का आने वाला वंश गुजर गया, और एलजी साहब इस तरीके से बिहेव करते हैं कि एमसीडी कहते हैं। मैं एलजी साहब को चुनौती देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 10 फीट से जो गहरे, 4 फीट से जो गहरे नाले होते हैं, वो जो डीडीए का ब्लड का वो नाला है, वो जो डीडीए करता है, 4 फीट से जो 10 फीट तक के होते हैं वो दिल्ली सरकार करती है। तो एलजी साहब किसी और को बेवकूफ़ बनाए, पता है हमें कि राजनीति कर रहे हो आप, और किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप लोगों की जानों से खेल रहे हो। कहीं ना कहीं संयम रखें, आपके भी बच्चे हैं, किसी का परिवार चला गया है, तो हम ये मांग करते हैं कि किसी के दबाव में ना आके, आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, दिल्ली के लिए काम करें, दिल्ली के लोगों के लिए काम करें। देखे मत आम आदमी पार्टी कौन है, देखे मत करो कांग्रेस पार्टी कौन है, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए। मैम देख रहे हैं लगातार दिल्ली में मौतें हो जा रही हैं, अभी आशा किरण रोहिणी में भी 13 बच्चों की मौत है, उनका कोई परिवार भी नहीं है, उनके लिए भाजपा कह रही है कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता परेशान है इस बीच। बिल्कुल सच्चाई है, यही तो होता है कि जब शासक जो सही नहीं होता वो ऐसा ही होता है। हमारे मोदी साहब एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं थे उनका भी देख लेते, चलो माना दिल्ली सरकार की गलती हो सकती है आप कह रहे हो उसे, लेकिन देखते तो सही जाके, ये क्या आपके उसमें नहीं आता संरक्षण में, क्या वहाँ MP नहीं है इनका, क्या वहाँ काउंसलर नहीं है इनका, क्या वहाँ विधायक नहीं है उनका, वो कहाँ बैठे थे? ठीकरा फोड़ना है दिल्ली सरकार पर फोड़ दीजिए। और यकीनन जब मुखिया, हमारे मुखिया को जब इन्होंने जेल में डाल रखा है, तो कहीं ना कहीं ये हमें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात बताऊँ मोदी जी, सबक तो आपको मिल गया। और मैं जितने भी धरने होते थे मैं उनमें कहती थी कि महिलाओं ने कमान उठा ली है, आपका बोरिया बिस्तरा मान लिए, तो झोला ना उठाने की आपकी बारी आ गई है। मैम क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के जो हालात देख रहे हैं आप आजकल, लगातार मौतें होती जा रही है, राजधानी में ऐसी हालत है, राजधानी में ऐसी हालत है, तो सब कुछ केजरीवाल जी का नाम लिया जाता है कि केजरीवाल जी की सरकार है, MCD में वो है, लेकिन केजरीवाल जी तो जब कुछ करेंगे जब जेल से बाहर होंगे, उनकी जमानत ही नहीं होने दे रही ईडी, और ये मोदी सरकार की सारी चाल है जी हमारी तरफ से। तो केजरीवाल जी तो हमारे लिए बहुत सही हैं, बिजली का बिल जीरो सही, सब में किराया फ्री था, सब कुछ था हमारे लिए, लेकिन अब बिजली का बिल हमारे इतने आ रहे हैं हद से ज़्यादा, उसमें भी केजरीवाल जी का नाम बदनाम कर रहे हैं कि केजरीवाल कर रहा, केजरीवाल का बिजली विभाग तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आता है, आता है तो फिर बताओ केजरीवाल कैसे कर देगा, अंदर बैठे हुआ काम कर रहे हैं वो, करने दे रहे हैं उनको, उनको तो उनको दवाई दारू तक नहीं हो रही सही तरह, तो वो क्या करेंगे, उनको कुछ चलने नहीं दे रहे। LG भी मोदी का है, हम तो कहते हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए बस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस्तीफे की मांग साफ तौर पर एक ही कहना है इन लोगों का, हमने अलग अलग लोगों से बातचीत करी, और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के जो है राजेंद्र पाल गौतम वो भी इस धरने में मौजूद थे, उनसे भी हमने बातचीत करी। जिस तरह से राष्ट्र राजधानी दिल्ली की जो हालत हो चुकी है, एक नर्क बन चुका है यहाँ पर लोगों के लिए, और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है गलती वो सामने आई है। हालाँकि मानसून की बारिश के बाद भी कई सारी घटनाएँ हमने देखने को मिली जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहरहाल आपकी क्या कुछ राय है दिल्ली की चलती राजनीति के ऊपर, जरूर हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मेरे सहयोगी सुबसेठ के साथ दिल्ली से धनुष 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।